हाय दोस्तों, साइज़ हियर। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पैरानॉइड एंड्रॉयड 13 टोपाज बीटा 1 रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें अबाउट सेक्शन की, तो रोम जो एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है, जनवरी का सिक्योरिटी पैच है, टोपाज का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें सेफ्टी नेट की, तो वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जी कैम में भी मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं। 4K 60 FPS वाला जो ऑप्शन है वो भी वर्किंग में मिलेगा। देन नेक्स्ट अगर बात करें सी लिनक्स स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। देन यहाँ पे गूगल फोटोज़ में जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो वो अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन ही गूगल ओके गूगल भी परफेक्टली वर्किंग है। और कॉलिंग में जो है कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट अनाउंसमेंट होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐप ओपनिंग के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्मूथ एकदम मक्खन जैसा ऐप ओपनिंग है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, देन डिलीट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल, गूगल लेंस पे शेयरिंग वगैरह मिलेगी। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में, तो कस्टमाइजेशन बिल्कुल ना ही के बराबर इस रोम में देखने को मिलेगी। ठीक है, एकदम सिंपल रोम है ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीफर नेटवर्क, तो सिर्फ 4G रिकमेंडेड यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें ऐप्स वाले सेक्शन की, तो यहाँ पे जो लॉन्चर है वो पैरानॉइड का लॉन्चर मिलेगा। और इसमें भी एकदम कम सिंपल कस्टमाइजेशन है, बहुत ही कम यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ स्मार्ट पॉज वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, और मी साउंड इनहांसर वगैरह मिल जाता है। ठीक है, क्लियर स्पीकर 30 सेकंड्स का मिलेगा। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्ले में, तो लॉक स्क्रीन में एम्बिएंट डिस्प्ले बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पे चीज़ें और भी अच्छे से वर्किंग मिलेगी, जैसे कि डार्क थीम वगैरह परफेक्टली वर्किंग है। डिस्प्ले साइज, फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, नाइट लाइट वगैरह अच्छे से वर्किंग में मिलेगा यहाँ पर। ओके, देन कलर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर जो कलर्स होता है ना, नेचुरल सैचुरेटेड वगैरह, वो सेट कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। एक बार डेमो देखते हैं इसका, तो क्लॉक नॉर्मल सेट करता हूँ और प्रीव्यू देखते हैं, तो जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फुल स्क्रीन ऐप्स की, तो वो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। आगे बढ़ेंगे, बात करें वॉलपेपर एंड स्टाइल की, तो यहाँ पे बेसिक कलर और वॉलपेपर बेस्ड कलर्स वगैरह मिलती है। थीम्ड आइकन्स वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। और हाँ, यहाँ पर ये कुछ सिस्टम पैक वगैरह मिलेंगे, और जो फॉन्ट्स है ये कुछ तरह के मिल जाती हैं, बस ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है। सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग में मिल जाएंगी। ओके सॉरी, बट यहाँ पर मेरे हाथ में थोड़ा सा ऑयली है, डर्टी है मेरा हैंड, तो इसके वजह से मेरा फिंगर ठीक से अभी ठीक से वर्क कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मेरा हाथ में दिक्कत है। ठीक है, सेंसर बिल्कुल सही है। और लैंग्वेज एंड इनपुट में ऐप लैंग्वेज वगैरह मिलता है, मतलब पर ऐप लैंग्वेज। और जेस्चर्स की बात करूँ, तो वही नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो नॉर्मल है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पर सेपरेटली जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क और वाईफाई के लिए जो सेपरेट टाइल्स है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ हमें ध्यान में लेनी है। बाकी सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे मिलेगा। ओके, और पावर मेनू, ठीक है, और ये एक्टिव ऐप्स, ये कुछ इस तरह देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रीसेंट ऐप में, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, फोर्स वगैरह स्टॉप वगैरह कर सकते हैं, स्प्लिट टॉप वगैरह है, अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, और इसके अंदर अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस वगैरह, ये कुछ चीज़ें मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा इस रोम में। और यहाँ पर ये कुछ हमें कुछ वॉल्यूम पैनल इस तरह, पावर मेनू इस तरह मिलेगा, एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल रोम है ये। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर बैटरी यूजेज जो है वो चेक करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो बैटरी परसेंटेज है वो यही से इनेबल होगा बैटरी वाले ऑप्शन में, याद रखना है। ठीक है, और बैटरी यूजेस की बात करूँ, तो मेरे नॉर्मल यूजेस है। ठीक है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ किया मैंने, वाईफाई से कनेक्टेड था, 50% ब्राइटनेस था, तो कुछ 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे रहा है रोम। ठीक है, चार्जिंग स्पीड अच्छा है, 1600 1700 1800 1900 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज होता है। थर्मल प्रोफाइल सेट कर सकते हो परफॉर्मेंस पे, अगर गेम वगैरह खेलते हो उसका। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एंटूटू स्कोर चेक करवाता हूँ। ये स्टॉक कर्नल का स्कोर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर बात करूँ यहाँ पर कस्टम कर्नल की, एनजी के लेटेस्ट कर्नल का यूज़ किया था मैंने, तो 4,40,796 यहाँ पर स्कोर है। ठीक है, और गीक बेंच 5 स्कोर की बात करूँ, तो ये भी चेक करते हैं पहले स्टॉक कर्नल पे।
सिंगल कोर 498 मल्टी कोर 2013 है। कस्टम कर्नल की बात करूँ सिंगल कोर 496 मल्टी कोर 2032। ठीक है, सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करूँ तो कुछ 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है स्टॉक कर्नल, और कस्टम कर्नल 91% यहाँ पे जा रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस जो है ना स्टॉक कर्नल पे पहला गेम प्ले सही था, फिर थोड़ा सा मैंने जब दूसरा गेम प्ले तीसरा गेम प्ले खेलने लगा स्टॉक कर्नल पे तो बहुत ही ज़्यादा लैग करने लगा, एकदम जिटरी सा, एकदम बहुत ही लैगी सा फील हो रहा था। तो फिर मैंने उस जगह पे मैंने जो है स्टॉक कर्नल की जगह पे कस्टम कर्नल फ्लैश कर दिया, NGK का लेटेस्ट कर्नल जो है सिस्टम EXT वाला। देन उसके बाद बहुत ही सही आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला मेरे को। ठीक है, बिल्कुल मतलब स्मूथनेस एकदम मक्खन जैसी देखने को मिल रही थी, मतलब अगर स्टॉक कर्नल से कंपेयर करूँ तो। लेकिन स्टॉक कर्नल पे काफ़ी दिक्कत आ गई थी मुझे, एक दो गेम प्ले करने के बाद एकदम लैग करने लगा था डिवाइस। तो आप देख सकते हो कस्टम कर्नल के साथ जा सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा गेम प्ले देखो, अब उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। Cover me! Reloading. Great, you're about to win. The blue team is about to win. Target down. Reloading. Enemy down. Cover me. अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पर लेटेस्ट सिस्टम EXT सपोर्टेड TWRP रिकवरी यूज़ करनी है। उसके बाद वाइप सेक्शन में चलना है, एडवांस वाइप में आके डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा और सिस्टम EXT इन पार्टीशन को टिक करके स्वाइप करेंगे, मतलब वाइप करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा सक्सेसफुली बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है, और सबसे पहले फ्लैश करना है फर्मवेयर। ठीक है, तो ये फर्मवेयर सिलेक्ट किया, फ्लैश कर दिया, हो गया समझो। ओके, जैसे ही फॉर्मवेयर कंप्लीट होता है फ्लैशिंग, उसके बाद रॉम को सिलेक्ट करके उसको भी फ्लैश कर देना है। तो ये रॉम सिलेक्ट कर दिया, देन स्वाइप किया, फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट। अब वेट करते हैं, इसको फ्लैश होने देते हैं पूरी तरह से। ओके, जैसे ही रॉम सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे बैक आना है, वाइप पे आना है। यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करके रिबूट कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड यूज़र है तो। ठीक है, YS लिखिए कीबोर्ड पे, राइट बटन पे टिक कर दीजिए, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो DFE फ्लैश कर दो, जैसे मैंने अभी DFE फ्लैश किया हूँ, मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या है, डिवाइस को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके देख सकते हो वीडियो। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होता है रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।